वेलकम फ्रेंड्स, आपका रेसिपी देखो में स्वागत है, जिसमें हम बनाते हैं ऐसा खाना जो टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी। आज रेसिपी देखो में हम लोग बनाने वाले हैं कुर्थी की दाल, जो सर्दियों में खाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे पेट में पथरियाँ भी नहीं होती हैं, साथ ही यह सर्दी खांसी में भी बहुत काम देता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे गाँव में अक्सर सर्दियों में इसकी दाल बनाई जाती है, तो मैं आज इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे मैंने पहले ही साफ करके रखा हुआ है, ये कच्चा कुर्थी है। इसे आप सामने के ग्रोसरी स्टोर में पा जाएंगे, आप इसे खरीद कर बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे पहले फ्राई कर लेंगे। तो कुर्थी की कोई भी आप रेसिपी बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले कुर्थी को फ्राई करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो आज हम इसे मिट्टी के बर्तन में फ्राई करेंगे। तो देखिए बर्तन जो है गर्म हो चुका है। तो अब हमने यहाँ जो कच्चा कुर्थी लिया है इसे हम इसमें डाल देंगे और भूनेंगे। तो कुर्थी को फ्राई करने में 10 मिनट टाइम लगता है, इसे धीरे धीरे भूनते रहें। इसे भून के भी आप स्टोर करके रख सकते हैं और इसका भुना हुआ भी बहुत खाने में मजा आता है। कुर्थी को अगर आप धोना चाहते हैं तो उसे बाजार से लाने के बाद ही आप उसे धो लें, क्योंकि फ्राई करने के बाद इसे धोने से दाल अलग अलग हो जाएगी। तो मैंने इसे पहले ही धो कर रखा था, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसे हम पहले भून लेंगे फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है कुर्थी का रंग चेंज हो गया है। जब ये फ्राई हो जाता है तो ये थोड़ा गोलाकार का हो जाता है। तो यहाँ 5 मिनट हो गया है, और 5 मिनट हम इसे भुनेंगे, फिर इसे हम ठंडा करेंगे और इसका दाल बनाएंगे। 5 मिनट बीत चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब भुन जाती है तो उससे एक अच्छा स्मेल आता है, तब समझिए कि कुर्थी भुन चुकी है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तो इसे हम एक सूप में रख देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। तो इसे हम पहले एक थाली में रख लेते हैं। तो यहाँ 5 मिनट बीत चुके हैं और कुर्थी जो है ठंडा हो गया है, तो अब हम इसका दाल बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसे पीस लेंगे। तो पीसने के लिए मैंने यहाँ सूप का इस्तेमाल किया है और हम एक लोढ़ा लेंगे और इसी से हम इसे पीसेंगे। इसे यहाँ धीरे धीरे पीस लेना है। आप चाहे तो सिलबट्टा का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने टोटल 500 ग्राम कुर्थी को फ्राई किया है, लेकिन मैं यहाँ 100 ग्राम का ही दाल बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से अमाउंट ठीक करें। इसे आप ज़्यादा महीन भी ना पीसें और इसे आप दरदरा टाइप का ही पीसें। तो इसी तरह से लाहर का भी दाल बनाया जाता है, तो मैं उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। ये मैंने यहाँ कुर्थी को तोड़ लिया है और इसका हमने दाल रेडी कर लिया है। आप चाहें तो एक ही बार इसे पीस कर एक डिब्बे में बंद करके रख सकती हैं और इसे रोज़ाना इस्तेमाल कर सकती हैं, ये महीनों ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसका दाल बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। इससे हम मिट्टी का बर्तन गरम करेंगे और उसमें हम 2 ग्लास के इतना पानी डालेंगे। तो हम इसमें और 1 ग्लास पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ 2 चम्मच नमक डाल दूंगी। फिर इसमें हम 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे। तो यहाँ जो है पानी को हल्का गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें जो कुल्थी को हमने तोड़ के रखा है उसे इसमें हम डाल देंगे।
तो चलिए अब हम इसे डायरेक्ट यहाँ पानी में डाल देंगे। इसे यहाँ 15 मिनट के लिए उबलने दें। आप इसे एक बार मिला दें और 15 मिनट के लिए इसे उबलने दें। आप चाहे तो इसे ढक भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे आज बिना ढके ही पकाऊंगी। तो यहाँ 5 मिनट बीत चुके हैं, तो देखिए दाल में जो है उबाल आ गया है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा जीरा पीस के रखा है, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। जीरा के अलावा इसमें और कोई मसाला हम नहीं डालेंगे। फिर से इसे एक बार मिला दें और 10 मिनट इसे उबलने दें। तो कुल्थी के दाल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही मस्त आती है, तो आप इसे सर्दियों में ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए यहाँ दाल जो है वो अधपका हो गया है। जब दाल आधा गल जाए तभी उसमें टमाटर काट के डाल दें। तो मैंने यहाँ एक बड़ा टमाटर काटा है, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे 5 मिनट तक और पकने देंगे। तब तक टमाटर भी गल जाएगा और कुल्थी का दाल जो है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए दाल जो है यहाँ अधपका हो गया है और थोड़ा सा बाकी है, तो इसे यहाँ 5 मिनट तक हम उबलने देंगे। तो देखिए यहाँ टोटल 15 मिनट बीत चुके हैं और टमाटर भी गल गया है और दाल भी गल चुका है। तो चलिए अब हम गैस बंद कर देंगे। तो अब हम इसमें ऊपर से धनिया का पत्ता डाल देंगे। तो अब हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, जिसमें कि हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो चलिए इसे हम एक थाली में ढाल देते हैं और फिर से तेल गरम करते हैं। अब हम दोबारा से मिट्टी का बर्तन को गरम कर लेंगे और उसमें हम 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तो यहाँ तेल को अच्छी तरह से गरम होने दें। तो यहाँ हम ज़्यादा मात्रा में लहसुन का यूज़ करेंगे, लहसुन से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। इसके अलावा हम एक मिर्ची डालेंगे। तो तेल गरम हो चुका है, तो इसमें हम लहसुन और मिर्ची को छोड़ देंगे। यहाँ लहसुन को पूरा ब्राउन होने तक भून लेना है। तो देखिए यहाँ लहसुन जो है वो ब्राउन हो चुका है, तो अब हम उसमें कुल्थी के दाल को डाल देंगे। अब तड़का लगाने के बाद इसे 1 मिनट तक उबलने दें और गर्मा गर्म आप चावल या रोटी के साथ खाएं। तो अब ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो आप इसे सूप की तरह भी पी सकते हैं या इसे दाल की तरह चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए ये कितनी मस्त दाल बनी है। कुल्थी के दाल से माना जाता है कि पथरी भी दूर होती है और ये सर्दियों में बहुत ही कारगर होता है। तो आप भी इसे अपनी रेसिपी में ज़रूर शामिल करें। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आप एक बार इसे ज़रूर बना के मुझे कमेंट करें। तो और एक हेल्दी रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।